ये चार नंबर का प्रोग्राम स्टैक या क्यू का आएगा, स्टैक का हो गया। अगला क्यू से पहले स्टैक का एक एप्लीकेशन था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो तीन फॉर्म है, इनफिक्स फॉर्म ए प्लस बी, एक प्रीफिक्स फॉर्म होता है प्लस ए बी, पोस्टफिक्स फॉर्म ए बी प्लस। ऑपरेटर जो है ऑपरेंड से पहले आ गया इनफिक्स फॉर्म है, ऑपरेंड बक के बाद में आ गया पोस्टफिक्स फॉर्म। इसे पोलिश फॉर्म बोलते हैं, इसको रिवर्स पोलिश फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पोस्टफिक्स फॉर्म को सीखना। प्रीफिक्स फॉर्म इज वेरी इजी, वैसे ही जैसे पोस्टफिक्स फॉर्म होता है वैसे प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं इजीली। तो जब हम करेंगे तो यहां ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस देखना है। तो प्रेसिडेंस देखने का क्या तरीके हैं, क्या ऑर्डर है, हम लोग करने जा रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो पहला स्टेप क्या लिखा है, पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स लगा लें, ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिर अगर ब्रैकेट ऑलरेडी दे रखे हैं एक्सप्रेशन में तो फिर आपको उसको पहले ही लेना पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसना है, ब्रैकेट का। दूसरा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर ऐसे दिया होगा, दूसरा प्रेसिडेंस इसका है। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन डिविजन दे रखे हैं तो मल्टीप्लीकेशन डिविजन का तीसरा है। और मल्टीप्लीकेशन डिविजन जब कर रहे होंगे तो लेफ्ट में जो है पहले लेफ्ट में मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसको आप देंगे हायर प्रेसिडेंस, या लेफ्ट में डिवाइड आ रहा है तो जो लेफ्ट में पहले आ रहा हो। सेम थिंग इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, जो लेफ्ट में आ रहा हो उसको पहले करेंगे, तो राइट में आ रहा उसको बाद में करेंगे। ये लाइन दोबारा लिख गई है, इग्नोर दिस, इसको वापस देखें। आपने ये एक्सप्रेशन में दिया हुआ है उससे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है। ऑर्डर आपने के हिसाब से ब्रैकेट लगा चुके, अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या करना है, ये जो ऑपरेंड है इसको दूसरे, सॉरी ये जो ऑपरेटर है इसको सेकेंड ऑपरेंड के बाद भी लिखना है, ए प्लस बी को ए बी प्लस लिख देना है और ये करते जाना है प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आखिरी तक। लास्ट स्टेप ये होगा जब सब कुछ शिफ्ट हो गया, सारे ऑपरेटर शिफ्ट हो गए, उसके बाद आपको जितने पैरेंथेसिस है उनको रिमूव कर देना है। और क्या ध्यान रखना है, किसी भी एक ऑपरेटर को एक से ज्यादा बार शिफ्ट नहीं कर दे, एट टाइम्स ये बाई मिस्टेक होता है कि एक से ज्यादा बार भी शिफ्ट कर देते हैं बच्चे, तो आपको एक ऑपरेटर को केवल एक ही बार शिफ्ट करना है। फाइन, लेट्स सी एग्जांपल्स, हियर आर सम एग्जांपल्स, बहुत आराम आराम से देखेंगे। पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इट्स पोस्टफिक्स फॉर्म, ए प्लस बी एस्टिक सी, प्लस एन एस्टिक्स टू ऑपरेटर आर हेयर, हायर प्रेसिडेंस जो है इस पे एस्टिक्स का है, इसलिए पहला स्टेप क्या लगाया, इस b इंटू सी को एक ब्रैकेट में रख दिया। ये स्टेटमेंट देखिए, b इंटू सी को एक ब्रैकेट में रख दिया, अब दो ही ऑपरेटर थे एक ब्रैकेट में रख दिया, अब हमें ऑर्डर पता चल गया है। पहले हमने b एस्टिक c को b c एस्टिक लिखा, ये शिफ्ट हो गया, अब ये a प्लस b c एस्टिक्स है। अब इसको आप एक ऑपरेंड मानिए, वन ऑपरेंड है ये, तो अगला स्टेटमेंट में ये प्लस जाएगा इस इधर, क्योंकि अगर हम इसको कहें ये एक नंबर है, हम कहें ये है सिक्स प्लस फाइव इंटू फोर, तो ये है सिक्स प्लस ट्वेंटी, ठीक, यानी कि बी सी का ये रिजल्ट है, तो वन ऑपरेंड है प्लस उसके बाद में जाएगा, ठीक। Then expression will become A B C asterisk plus, कोई गलती से ऐसा ना करे बीच में asterisk से पहले A लिख दे, A B C plus asterisk, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। I hope this must be clear, पहला example। Yeah, now let's see the second example, A asterisk B slash C, यहां भी एस्टेक्स का प्रेसिडेंस और स्लैश दोनों के प्रेसिडेंस इक्वल होते हैं, तो पहले लेफ्ट वाला लेंगे, लेफ्ट में क्या है एस्टेक्स, तो पहले हमने लिखा ए एस्टेक बी को हमने लगा दिया ब्रैकेट में, ठीक। अब हमने शिफ्ट करा तो अगले लाइन में हो गया ए बी एस्टेक्स, ये शिफ्ट हो गया। अब दो ऑपरेंड है, एक है ए बी एस्टेक वन ऑपरेंड और स्लैश का दूसरा ऑपरेंड सी है, तो स्लैश को शिफ्ट करेंगे किधर, सी के बाद, सी के बाद शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ये भी क्लियर होगा, बस सिंपल सा है,
तीसरे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है, बी माइनस सी इज गिवन इन द ब्रैकेट. तो अब क्या है, सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका हो गया, बी माइनस सी का. उसके बाद आएगा एस्टिक का. तो यहां इसको सॉल्व करने में क्या किया गया, बी माइनस सी, बी सी माइनस हो गया, अरे सॉरी, ए प्लस बी सी माइनस एस्टिक डी. अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप ध्यान रख लें कि भैया ये सॉल्व हो चुका है, अब बचा ये प्लस और ये एस्टिक. इसमें प्लस और एस्टिक में हायर प्रेसिडेंस किसका है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है डी का, सॉरी एस्टिक का. तो आप क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी सी माइनस डी एस्टिक लिख दीजिए. अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, अब बचा ये प्लस, इसको सबसे बाद में ले आइए, ए बी सी माइनस डी एस्टिक प्लस, ये हो गया आपका आंसर. ठीक, तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट लगा के, थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाए तो आप ध्यान रख के कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है फिर, पर फोकस करना बहुत जरूरी है. लेट्स गो फॉर मोर एग्जांपल. ये एग्जांपल में बहुत सारे ब्रैकेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो जब ज्यादा ब्रैकेट गिवन है तो बहुत ही आसान हो गया, यानी कि आपको अपना प्रेसिडेंस खुद ही तय करना, सारे प्रेसिडेंस तो इधर ही तय कर रखे हुए. तो सबसे पहले आपको इसमें इनर ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा, ये इधर इधर खत्म हो गया, ये इधर आया, ये इधर खत्म हो गया. ठीक है, ऑर्डर का ध्यान रखें, नेस्टिंग का ध्यान रखें, इनर ब्रैकेट विल कम फर्स्ट. तो इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये बीसी एस्टिक्स बी एस्टिक्स सी हैज बिकम बीसी एस्टिक्स, और यहां डी एस्टिक बी हैज बिकम डीबी एस्टिक्स. हो गया, ध्यान दिया आपने. उसके बाद बचा क्या, अब वो ब्रैकेट शिफ्ट हो गए तो ब्रैकेट को हटा दिया, अब बचा ये प्लस, तो ये प्लस आएगा बीसी एस्टिक्स के बाद में, इट बिकम बीसी एस्टिक्स प्लस, और ये माइनस बचा, ये डीबी एस्टिक्स के बाद में आएगा. ठीक, अब बचा स्लैश, इसके लिए ये दोनों हमने जो रेड लाइन से कर रखे हैं वो उसके ऑपरेंड है, तो स्लैश विल कम द लास्ट. ठीक, ठीक है, साइन के प्रेसिडेंस एक बार फिर से देख लीजिए, साइन के प्रेसिडेंस क्या है, ये है प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज दिस. सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट, देन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस, तो आप पहले लेफ्ट वाला लेंगे एंड प्लस माइनस में भी पहले लेफ्ट वाला लेंगे. ठीक है, यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, जहां जिस तरह के एग्जांपल बच्चे गलती करते हैं. ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी डिवाइड डी माइनस ई एस्टिक एफ. ठीक, तो यहां सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है, सबसे हायर प्रेसिडेंस है इसमें एस्टिक का, तो लेफ्ट में ये एस्टिक का सबसे हायर प्रेसिडेंस है, तो ये हो गया ए बी एस्टिक्स प्लस सी स्लैश डी माइनस ई एस्टिक एफ. अगला प्रेसिडेंस हायर किसका है, स्लैश का, ये शिफ्ट हो चुका है, ये स्लैश मिला. तो बच्चे क्या के माइंड में कभी कभी क्या आता है कि सबसे हायर प्रेसिडेंस मिला था एस्टिक का, तो ये पहले एस्टिक के बाद ये इस वाले एस्टिक पहुंच जाता है, बीच में स्लैश को इग्नोर कर देता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई हम लेफ्ट टू राइट जाके देखें, एक एस्टिक के बाद उससे सेम प्रेसिडेंस का स्लैश मिल रहा है यहां पे, तो आप उसको पहले करेंगे, आखिरी वाले एस्टिक्स पे नहीं पहुंच जाएंगे. ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि इस तरह गलती आप नहीं करें. अब अगला प्रेसिडेंस इसका है, तो ये हो गया ए बी एस्टिक्स, ये सॉल्व हो चुका था, ये हो जाएगा सी डी स्लैश, ये सॉल्व हो गया, और इसके बाद ई एस्टिक्स एफ. अगर इनका एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं है तो आप एक साथ भी कर पाए तो कर सकते हैं, पर फोकस रखना पड़ता है कि गड़बड़ ना हो जाए. ये जो हो चुके हैं मैं ऐसे स्क्वायर बॉक्स में लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ये हो चुके हैं. अब बचा कौन, प्लस एंड माइनस, इक्वल प्रेसिडेंस है तो हम ये कह सकते हैं प्लस कहां जाएगा,
प्लस विल गो आफ्टर दिस एंड माइनस विल गो आफ्टर दिस। यहां मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीज चेंज करने को कर दी है, तो फाइनल आंसर विल बी ए बी एस्टिक्स सी डी स्लैश ई एफ एस। सी डी स्लैश के बाद प्लस आ रहा है, सी डी स्लैश प्लस ई एफ एस्टिक्स माइनस। आई होप दिस वन इज क्लियर। गो अहेड, द मोर एग्जांपल्स आर हियर। एग्जांपल नंबर 5 and 6 आर देयर। यू डोंट नॉट गो थ्रू द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, डोंट लुक एट द आंसर एंड देन यू जस्ट सी आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। So let's see the example 5 and 6. Example 5, there is no bracket. First of all, we can put the brackets for B exponent C. It is having the first precedence, or I can write the number also. First one is this, then second is this slash, then third is asterisk, fourth is this asterisk, fifth is plus, sixth is minus. So first of all, this B exponent C will become BC exponent. Okay, B exponent C will become BC exponent. तो ये shift हो गया। इसके बाद number 2 पे slash है, तो slash will come after exponent. एक बात का ध्यान रखें, ये जो है कोई भी operator है, इसको मतलब theoretically तो नहीं कह सकते, पर ये एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ध्यान रखें, shortcut तरीका कि भाई ये जो भी शिफ्टेड है उसको क्रॉस कर जाएगा, अनशिफ्टेड को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो स्लैश था इसने एक्सपोनेंट को क्रॉस कर दिया, क्योंकि एक्सपोनेंट शिफ्ट हो चुका है बट प्लस को क्रॉस नहीं किया, प्लस शिफ्ट नहीं हुआ अभी, तो प्लस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये आ गया। इसके बाद साथ ही में इस टू वाले का इससे इतने वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं था, ये इंडिविजुअली साथ ही पैरेलली अलग से हमने कर लिया यहां पे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हम 1, 2, 3 कर चुके हैं, 4 के बीच में फिर एक माइनस था तो 4 को भी कर लिया साथ में। अब बचा 5 and 6, 5 है प्लस जो इधर माइनस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये डीसी एस्टिक्स के बाद आ जाएगा और ये माइनस सबसे एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले वाले क्वेश्चन में यहां पे ब्रैकेट में रखा है, सबसे पहले इस ब्रैकेट में ये सॉल्व होगा और उसके बाद नंबर 2 में प्लस सॉल्व होगा, फिर इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, ये 3 हो गया, फिर बचा फोर्थ नंबर पे ये प्लस, फिफ्थ पे ये माइनस, सिक्स पे ये प्लस। इस ऑर्डर में शिफ्ट करते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई यहां पे ये आपका ये बी स्लैश सी हैज बिकम बी सी स्लैश, और साथ में इस इतने पार्ट का इससे कोई मतलब नहीं, तो साथ में यहां हम इसको सीडी एस्टिक्स लिख सकते थे जो आगे कर ही दिया है, तो यहां सोचते थे बड़ा बड़ा लिख दें। एक ये है प्लस बी माइनस सी एस्टिक्स डी प्लस सी, तो यहां पे इसको सॉल्व किया हो गया ए प्लस बी सी स्लैश प्लस बी माइनस ये सी डी एस्टिक्स हो जाएगा प्लस सी, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, तो यहां पे प्लस बीसी स्लैश के बाद में चला गया, हो गया ए बी सी स्लैश प्लस। अब यहां ये माइनस प्लस पे सबसे ये वाला प्लस पहले आ जाएगा, तो अगले स्टेटमेंट में हम ये साथ में लिख दें, अब देखें तो ये वाला माइनस से थोड़ा बाकी, ये यहां आना चाहिए और ये प्लस बाकी, ये यहां आना चाहिए, तो ये हो गया ए बी सी स्लैश प्लस बी, ये प्लस शिफ्ट हो चुके करके आए, तो ये तो ऐसे रहेगा सी डी एस्टिक्स माइनस सी प्लस। ठीक है, दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, इट नीड्स अ प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस। ओके, सो यू फील प्रैक्टिस देन इट विल बी, यू कैन बी श्योरली स्कोर 2 मार्क्स
दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन द बोर्ड्स एग्जाम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.